खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जोधपुर राजस्थान में होगा महारक्तदान। गुरुवार 18 जनवरी को शुरू होने वाली इस विशेष कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन आज संपन्न हुआ। 18 जनवरी 2018 वार गुरुवार को परशुराम सेवा दल के अंतर्गत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संगठन का प्रमुख उद्देश्य है कैंप नहीं लगाकर सीधा ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया जाए। संगठन के जितने भी कार्यकर्ता व सदस्य हैं सभी के जन्मदिवस पर कार्यकर्ता व अन्य मित्रगण जाकर हॉस्पिटलों में जाकर रक्तदान करेंगे और ये नई मुहिम परशुराम सेवा दल ने प्रथम बार शुरुआत की है। मैं सुदर्शन उपाध्याय, परशुराम सेवा दल प्रभारी राजस्थान। भांडुप गांव में चला मनपा का बुलडोजर, हुआ लाखों का नुकसान, कहां जाएंगे बेघर। कल मनपा ने एमडी केनी मार्ग स्थित उषा रामचंद्र वैती की प्रॉपर्टी पर बनी 4 दुकानें और 5 घरों को जमीन दोस्त कर दिया। हालांकि उक्त जमीन अभी भी रामचंद्र वैती के नाम पर ही है और उनके पास 1961 से प्रॉपर्टी कार्ड पर नाम भी है। 2017 में आज 46 साल हो गए लेकिन अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ। मनपा के अनुसार रहवासी घर और दुकानों की वैधता को साबित नहीं कर पाए और इसीलिए उन्हें रिहैबिलिटेशन के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। कल सर्वप्रथम पुलिस दल के साथ मनपा अपने खुफिया षड्यंत्र के तहत लोगों को गाड़ी में बिठा लिया। दुकानदारों को मात्र 5 फुट की जगह साफ करने का आश्वासन दिया गया लेकिन जब बुलडोजर चला तो सारा क्षेत्र ही साफ हो गया। लोगों को इतना भी समय नहीं दिया गया कि वे अपने वस्तुओं को निकाल सके। ऐसे में दुकानदारों की लाखों की वस्तुएं मलबे में नष्ट हो गई। जिसके घर थे वे भी आनंद फानंद में कुछ ही सामान निकाल पाए। 1960 से हमारे पुरखे यहीं रहते हैं और हम भी यहीं के निवासी हैं लेकिन आज मनपा ने हम लोगों को बेघर कर दिया। हमारी रोजी रोटी का साधन भी छीन लिया। अब हमारे सिर पर कोई छत नहीं, हम कहां जाएं। महिला, बच्चे, विकलांग लोगों की दशा दर्दनीय थी। स्थानिक लोगों ने मनपा की इस दादागिरी की कड़ी निंदा की है। पर्यायी व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा यहीं पर हम उपोषण कर अपनी जान दे देंगे। आणि त्या अन्यायाबद्दल इथले गाववाल्यांच्या वतीने आणि ज्यांच्यावरती अन्याय झाला त्यांच्या वतीने मी बीएमसीचा निषेध करतो। आणि जर या लोकांना जर बीएमसी गव्हर्नमेंटनी किंवा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी जर न्याय नाही दिला तर आम्ही येणाऱ्या एमडी केनी रोड भांडुप विलेज भांडुप ईस्ट में इस एरिया में कल जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई में किराने की दुकान और बाकी के 5-6 दुकानें जो थी यहाँ पर घर थे, इन सभी घर को बीएमसी ने बिना किसी पूर्व सूचना से तोड़ दिया। लोगों का 5 से 10 लाख का माल का भी नुकसान हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे घर के रहने वाले जो लोग थे, बच्चे, बूढ़े और अपंग, सभी लोगों की हालत ख़राब हो गई है। इनकी एक ही सूचना है, ये चाहते हैं कि इन्हें कोई व्यवस्था बीएमसी करके दे जिसमें इन्हें पर्यायी व्यवस्था के तौर पे घर मिले। इनका ये भी ये कहना है कि बीएमसी यहाँ पर उन्हें एक जो घर देना है वो पर्यायी व्यवस्था भांडुप में ही करे, अन्यथा ये आगे उपोषण जैसे कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो जाएंगे। मैं त्रियोगी राम कुमार गुप्ता के साथ 24 टाइम।
शोधोगन कराटे स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट बच्चों को बनाता है जाबाज। सिंसरी डॉक्टर गले स्वामी और कविता स्वामी द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहा है। मुंबई सबर्बन में बांडुप के कामगार बस्ती में अपनी कुल चार शाखाएं बीपीएस, जीजामाता, ऑक्सफोर्ड, ब्राइट स्कूल। डॉक्टर गले स्वामी एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर की चिकित्सा भी करते हैं। इस विद्या में पारंगत होकर बच्चे और युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। खासकर लड़कियों को सक्षम बनाने के लिए यह आर्ट बेहद जरूरी है। ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ।